की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। धार की गुलमोहर कॉलोनी में एक व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुलमोहर कॉलोनी के रहने वाले जाकिर हुसैन उर्फ भीम भाई अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी दो अज्ञात बाइक सवार युवकों ने उन पर रिवाल्वर से दनादन चार गोलियां दाग दी और फरार हो गए। भाई भीम को गंभीर अवस्था में धार के जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस घटना की वजह पूरी तरह से पता नहीं चल पाई है, किंतु बताया जा रहा है कि कॉलोनी के ही एक रहने वाले युवक से पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय से इनका विवाद चल रहा था और उसी पर शक की सुई जा रही है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आरोपी अभी फिलहाल फरार हो चुके हैं। जाकिर हुसैन और भाई भी नाम के व्यक्ति को के ऊपर मोटर सवार बाइक लोगों ने गोली चलाई, उनके ऊपर जिनको अस्पताल लाया गया, जहाँ पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अभी हमारी टीम लगी हुई है, संदिग्ध और जो भी उसके आरोपी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा और उनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। चार गोलियाँ लगी उन्हें, एक हाथ में और तीन पीठ में। पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है, कुछ बात का बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये पुरानी रंजिश थी, तो उस चीज़ को लेकर भी हो सकता है। ये एंगल भी हम देखेंगे और अभी हमारा मेन फोकस है आरोपियों को पकड़ने का।